नमस्कार, मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे एक सुंदर सी जानकारी, एक बहुत ही अच्छी कथा बताएंगे कि रामचंद्र जी मेघनाथ को क्यों नहीं मार सकते थे और लक्ष्मण जी ने ही क्यों मार सकते थे। इसके कारण देखिए, भगवान राम तो स्वयं विष्णु के अवतार थे और लक्ष्मण जी को शेष भगवान का अवतार बोला गया है। तो विष्णु भगवान तो सर्वसमर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेघनाथ को नहीं मार सकते थे। इसकी वजह हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जैसे रामायण देखते हैं या रामचरितमानस पढ़ते हैं या कथाएं पढ़ते हैं, तो कई कई कथाएं होती हैं कि जो कि दूसरे दूसरे ग्रंथों में दी जाती हैं, वही कथाएं उनको विस्तार से जैसे रामचरितमानस में संक्षिप्त कर दिया, तो वाल्मीकि रामायण में उसको विस्तार से कर दिया या किसी विष्णु पुराण में उसको विस्तार से बतला दिया। तो आज हम इसी की जानकारी लेके आए। बात यह कि जैसे कि मेघनाथ था, तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि बहुत सारे मतलब वरदान मांगे थे, कि इस तरह के वरदान मांगे थे कि कोई मुझे मार ना सके। उसका नाम भी इंद्रजीत था, तो उसने इंद्र को जीता था, स्वर्ग पे अधिकार किया था। तो उनमें ये वरदान उसने मांगे थे जैसे कि जो कोई मुझे मारे वो 14 साल तक सोया ना हो, वो आजन ब्रह्मचारी हो, उसने 14 साल तक खाना ना खाया हो और वो बहुत ही पवित्र जीवन हो, सेवा भावी हो। इस तरह की बहुत सारी वरदान उसने मांग लिए थे कि उसने सोच लिया था कि कोई भी मनुष्य राक्षस या कोई भी देवतागढ़ इस तरह का हो ही नहीं सकता कि वो 14 साल तक खाना नहीं खाए, 14 साल तक सोए नहीं, पानी नहीं पिए और बहुत ही अच्छे मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, इस तरह का कोई कर नहीं पाएगा और मैं मारा नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा के लिए अजय हो जाऊंगा। इसीलिए भगवान विष्णु जब राम बन करके आए हैं तो शेष भगवान जी लक्ष्मण जी बन के आए हैं। अब जब इनको 14 वर्ष का वनवास हुआ है तो लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया पिया है और उन्होंने जग कर रात, जैसे रामचंद्र जी सीता जी अपनी कुटिया में सो जाते थे, या मान लीजिए वो चित्रकूट में है, तो वो राम आपने चित्रकूट गए तो लक्ष्मण धारा अगर आप लोगों ने देखी है तो सबसे ऊंची है चित्रकूट में, पूरे जैसे हनुमान धारा से भी ऊंची है। तो वहां पे एक आसन बना हुआ, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो लक्ष्मण जी वहां बैठ करके सारी रात पहरा देते थे कि कोई राक्षस कोई जंगली जानवर ना आ जाए, और रामचंद्र जी सीता जी की वो सेवा करते थे, यानी कि अपने भैया भाभी की सुरक्षा करते थे। तो रात भर वो जगते थे, यानी कि लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष तक सोए नहीं, 14 वर्ष तक उन्होंने भोजन भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया, या और क्या कहते हैं, और वो ब्रह्मचारी तो थे ही, और रामचंद्र जी सीता जी की उन्होंने हृदय से यानी कि पवित्र भाव से सेवा की, तो वो फिर समर्थ हो सके मेघनाथ को मारने के लिए। इसीलिए राम जी मेघनाथ को मारने के लिए रामचंद्र जी ने